नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। दोस्तों आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट, देखिए मैं आज का भी सब्जेक्ट टाइगर के ऊपर ही है, बट ये है कि टाइगर की डाइट की जो फैक्ट फाइल है उसके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ कि एक टाइगर को और एक टाइग्रेस को एक दिन में कितने मीट की ज़रूरत होती है अपने पेट को भरकर, मिनिमम कितना और मैक्सिमम, काफ़ी केसेस हैं अलग अलग जिसके हिसाब से ये हम बोल सकते हैं कि कुछ टाइगर्स होते हैं जिनकी डाइट बहुत ज़्यादा होती है, बट हम ये एवरेज लेके चल रहे हैं। जो आंकड़े बताते हैं कि एक जो टाइग्रेस होती है डेली उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो 7 से 8 kg। अगर वो टाइग्रेस, क्योंकि साइज में छोटी होती है टाइग्रेस और टाइगर के साइज में बहुत फर्क होता है, टाइग्रेस अगर बहुत अच्छी साइज की हुई तो 150 kg की होती है और टाइगर्स तो 250 से 300 kg के भी होते हैं, तो बहुत उनका पेट भी बड़ा होता है, साइज भी बड़ा होता है एंड डाइट भी बड़ी होती है। सिमिलरली जो टाइगर्स होते हैं उनका जो है जो फूड रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है, 8 से लेके 10 किलो 12 किलो 15 किलो भी है, वो वैरी करता है अलग अलग टाइगर्स के हिसाब से और वो खासकर वो कितने भूखे हैं, कितने दिन में वो शिकार कर पाए हैं, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम एक एनुअल फूड रिक्वायरमेंट, जो खाने की रिक्वायरमेंट है एनुअली, एक हम फीमेल के रहते हैं बिल्कुल ऑन एन एवरेज उसको 2800 kg से लेके 3600 kg की जरूरत, ये एक एवरेज लिया गया है, दैट वेरीज बिटवीन 2800 to 3600 kg पर ईयर फॉर मेल। जो मेल होता है उससे उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है एनुअली दैट इज 3300 kg से लेके 4200 kg पर ईयर जो मीट की रिक्वायरमेंट है। एक एडल्ट टाइगर, इसका मतलब या टाइग्रेस, एक साल में अगर एवरेजन 50 हिरणों को या 50 किल नहीं करती है तो ये मान के चलिए वो आधे टाइम भूखी रहे, चाहे वो टाइगर हो उसको अपने हिसाब से किल करना है, चाहे वो सामर हो, चाहे वो चित्तल हो, वो ना मेल चित्तल हो या वो बारहसिंगा हो, अलग अलग फॉरेस्ट में अलग अलग कुछ अब जैसे बाइसन है जो एमपी के जंगलों में टाइगर्स रहते हैं, कोई पाइसन मार दिया तो उसकी डाइट अच्छी रहेगी और कई दिन तक वो उसी को खाता रहेगा, बट मैं एक एवरेज को लेके चल रहा हूँ कि एवरेज रिक्वायरमेंट आपकी क्या रहती है कि एक साल में कम से कम एक टाइग्रेस को, एक टाइगर को 50 से 55 किल करने हैं अपना पेट पालने के लिए, तो डैट कम्स टू अबाउट 7 to 8 days में 1 kill हो जाना है। आप समझ रहे हैं इस चीज को, जंगल के अंदर और जंगल में शिकार करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि आउट ऑफ 10 attempts एक में टाइगर शिकार कर पाता है, 10 बार अगर वो कोशिश करता है इफ इज वेरी लकी तो हो सकता है कि 2 kills भी हो जाए, बट ये एक एवरेज लिया गया है कि अमूमन ये माना गया है कि टाइगर अगर 10 बार किल के लिए आता है, अपने आप को कामाफ्लाज करके छुपाता है और घात लगा के अटैक करता है तो आउट ऑफ 10 एक में किल मिलती है। हाउ डिफिकल्ट इट इज, तो सोचिए जंगल की लाइफ इन कंपैरिजन। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो टाइगर जू में पल रहे हैं या जो टाइगर फार्म्स में पल रहे हैं, जैसे थाईलैंड है और भी जगह है जहाँ पर, अमेरिका में भी है जो टाइगर फार्म्स में, उनको कोई चिंता नहीं है डाइट की, क्योंकि जैसी भी उनकी डाइट होती है वो जू अथॉरिटीज जानती है और उनके जो टाइगर फार्म्स वाले हैं उनके मालिक जानते हैं कि इस टाइगर की डाइट इतनी है, उसके हिसाब से वो उतना मीट उनको खिला दिया जाता है, रॉ मीट उनको सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। जबकि एक जंगल में रहने वाला टाइगर जो है उसको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है अपना पेट पालने के लिए, और खासकर अगर वो टाइगर्स थोड़े बड़े कप्स के साथ है तो उसकी शिकार तो छोटी मोटी अगर हिरण मारेगी भी तो उसका पेट नहीं पलेगा,
वो टाइम आता है कि टाइग्रेस जो है अपना प्रे हमेशा बड़ों को बनाती है, वो टाइम आता है कि अगर सामर नहीं मिला या बड़ा मेल चित्तल नहीं मिला तो फिर वो थोड़ा रुक करती है गायों की तरफ, भैंसों की तरफ, क्योंकि वो बड़ा किल होता है। बड़ा किल होगा तो शी कैन ऑल्सो फीड एज वेल एज द कब्स कैन ऑल्सो फीड। तो बड़ी डिफिकल्ट टाइप होती है उनकी, और ऑन बेसिस ऑफ दिस जो एक कैलकुलेटेड क्रूड बायोमास यानी कच्चा मांस की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जो एवरेज मैंने दिया कि एक टाइगर को 3,500 केजी से लेके 5,600 केजी पर स्क्वायर माइल ये जो क्रूड बायोमास यानी जो कच्चा मांस है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, समझ रहे हैं, पर स्क्वायर माइल। जितने भी टाइगर्स उस स्क्वायर माइल में हैं अगर वो अपने एरिया में वो उतना अगर उनको मिल रहा है यानी इतनी खपत होनी चाहिए जंगली जानवरों की तब उनका पेट पलता है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जंगलों के अंदर अगर वो पर्याप्त शिकार उनको नहीं मिलता है देन दे मूव टूवर्ड्स फार्मलैंड्स विलेजर्स या बस्तियों में और बाहर निकलते हैं जहाँ अपने को भी खतरे में डालते हैं लोगों को भी खतरे में डालते हैं। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देख रहा था, मैंने लिख के रखी हुई थी बहुत दिनों से कि इसमें डालूंगा, मैंने ऐसे हमेशा आपको बोला है कि मैं अपने वीडियोस के अलावा बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी आपको देता रहूँगा, और टाइगर क्योंकि अपना नेशनल एनिमल है तो ये कंसर्न का मैटर है। अब जैसे जू में उसको क्या देते हैं, मीट भैंसे का देते हैं, किसका देते हैं और कितना मीट देते हैं, मैं उसके बारे में भी जू अथॉरिटीज से पता लगाऊंगा कि वो रिसोर्स कहाँ से आता है, कौन सा कहीं ना कहीं जो होगा सप्लायर मेन वो देता होगा, बिकॉज लखनऊ के भी जू में मैंने देखा कि 7-8 बड़े तंदुरुस्त टाइगर्स हैं तो अच्छी खासी डाइट होती होगी, या जो लोग अडॉप्ट करते हैं टाइगर्स को। तो मैंने एक एवरेज निकाल के रखा था कि अगर एक मैं सपोजिंग एक टाइगर को अडॉप्ट करता हूँ एंड इफ आई गो एंड अप्रोच द जू अथॉरिटी कि भाई ये टाइगर है और आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर दिस टाइगर और इसका खाने का खर्चा क्या है, मैंने ऑन एन एवरेज ये लगा के रखा है कि अगर मैं साल का खर्चा दे रहा हूँ तो 2,00,000 रुपये एक टाइगर को लग जाएगा, मिनिमम 7-8 किलो अगर मांस उसको मिल रहा है जिसका भी वो मिलता है तो ऑन एन एवरेज इट इज 1,90,000 से लेके 2,10,000 तक जा सकता है एक साल का खर्चा। तो आप समझ रहे हैं बड़ा जानवर है, बड़ी डाइट है। जू के और फार्मलैंड्स के टाइगर में ये है कि क्योंकि वो मनोवर ज़्यादा नहीं करते हैं, उनकी घूमने की जो जगह होती है केजेस के अंदर बड़ी लिमिटेड होती है तो बहुत ज़्यादा डाइट बढ़ती नहीं है। बट थिंक अबाउट द टाइगर्स हु आर लिविंग इन द जंगल्स, मीनो मील घात लगा के बैठे रहो, अटेम्प्ट करो, मिस करो, फिर मूव करो, अपने आप को छुपा के रखो, फिर अटेम्प्ट करो, फिर अगर मिला नहीं मिला देन वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ। तो जो हमारा नेशनल एनिमल है, मैंने ये सोचा कि मैंने लिख के रखा हुआ था टुडे, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू माई डायरी तो मैंने देखा कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बोल सकते हैं कि टाइगर के लिए हम लोग जाते हैं उनको जंगलों में देखने के लिए, उनकी कितनी डिफिकल्ट लाइफ होती है जंगलों के अंदर वो किसी ने नहीं देखी। इट इज़ वेरी ईजी टू ब्लेम अ टाइगर दैट ही अटैक्ड अ मैन, ही अटैक्ड अ काउ, ही अटैक्ड अ बफलो इन द विलेज और फिर ब्लेम गेम चालू हो जाता है, बट उनकी जो डिफिकल्ट लाइफ है ना जंगलों के अंदर उसके बारे में कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। इसी वीडियो में आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, मैंने जैसे बोला कि मेरी कैंप लाइफ में ज़िंदगी रही है, मेरे को कुछ पुराने फोटोग्राफ्स मिले हैं जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं कहाँ रहा हूँ, एल्युमिनियम हटमेंट्स में रहा हूँ, मड हट्स में रहा हूँ, मेरी मम्मी रही हैं, मेरे फादर रहे हैं और अपने लाइफ वहाँ बहुत टाइम, मदर तो मेरी शादी के बाद कैंप में ही सीधे आई शहर से, तो मैंने वो फोटोग्राफ्स में ढूंढ रहा था, फॉर्चुनेटली मेरे को मिल गया है कि जो छोटे एल्युमिनियम हटमेंट्स आप समझ सकते हो गर्मी में कैसे तपते होंगे, तो उसकी भी फोटो मिल गई है
और फिर जो छोटे हट कहीं कहीं होते थे, छोटे हट वहीं होते थे जहाँ पर कैंप बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता था, तो वहाँ छोटे हट ही बनते थे। और फिर जो बड़े वाले हट होते थे वो थोड़ा सा प्लान, जिसको आप बोलते हैं 3 BHK हट के टाइम पे, तो 3 BHK टाइप के वो जो होते थे, उसमें खिड़कियाँ भी अच्छी हैं, दरवाजे भी अच्छे हैं, मकान भी बड़ा है, किचन भी है, सर्वेंट क्वार्टर भी है, बाउंड्री वॉल भी लगी हुई है। मेरी पिक्चर्स जो मैं भेजूंगा आपको, उसका अंदाज़ा लगेगा कि कैसी लाइफ व्यतीत की है फादर और मदर ने जंगलों में। और इसी वजह से ये जो वाइल्ड लाइफ का जो एक कहते हैं ना रॉ तजुर्बा मेरे अंदर आया, वो बचपन से आया, फिर रहा, फिर जब मैं खेलने लगा ना 14-15 साल के बाद, तो फिर अब मेरा पूरा ध्यान खेल में लग गया। नहीं करता तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, तो वहाँ रखा। देन आफ्टर 40 ईयर्स आई गॉट बैक टू द जंगल लाइफ। अब धीरे धीरे हर चीज़ मेरे को याद आती जा रही, मेरी स्टोरीज, मेरे दोस्त। अनफॉर्चुनेट एक जो स्टोरी आपको बताई थी, जो छत्तीसगढ़ में मेरे ही हम उम्र एक लड़का था, उसको टाइगर ने मार दिया था, मेरे को बाद में पता लगा। तो इस तरह की बहुत स्टोरीज होती हैं जंगलों में, और भी स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल ये जो वीडियो था, दिस वॉज अबाउट द डाइट ऑफ अ टाइगर ऑन एन एवरेज। एक्सेप्शनल तो कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्शनल साइज भी होता है, एक्सेप्शनल साइज के हिसाब से डाइट भी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को फिर मैं यही एंड करता हूँ। फिर ये भी कैप मैं कॉर्बेट से लाया, हालांकि ये कॉबॉय कैप है, बट इसमें कॉर्बेट वालों ने अपना एक लेबल लगा दिया, देखिए कि ये कॉर्बेट से आया, बट ये कॉर्बेट की वहाँ के लिए नहीं थी, ये तो आम दुकानों में भी मिलती है। अगर आप लेते हैं कॉबॉय हैट, तो मेरे को ये कलर पसंद आया। मैं हैट, आपको मालूम है कैप्स एंड हैट्स का मैं क्रेजी हूँ, बहुत बड़ा कलेक्शन है। एक दिन वो फोटो आपको डालूँ सबका, बट कहाँ डालूँ, इतने सारे कैप्स और इतने सारे हैट्स मेरे को समझ में नहीं आता, बट वो डालूंगा। तो एनीवे इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर एक स्टोरी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए चाओ एंड टेक केयर।